You're a superhero. हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू सीने में तेरे उतरा हूँ मैं छूके मुझे तू पहचान लेगा लम्हा तेरा ही गुजरा हूँ मैं आँखों में तेरी ये रात है जो सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू स्टाइल में स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आप इस बार के वीडियो को पूरा सेम बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ मत बोलना। सो गाइस, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काइंड मास्टर ऐप की। आप काइंड मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना। सिंपली आपको मेरे मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे आप चले जाना नीचे उस वेबसाइट पे जाके। सो वहाँ पे आपको काइंड मास्टर भी मिल जाएगा, जो भी मैंने अपनी वीडियो में यूज किया है उसका भी लिंक मिल जाएगा। किसी एक चीज़ के लिए आपको 40 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये बात का आप ध्यान में रखना। सो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही करना है। सबसे पहले आपको काइंड मास्टर में आना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है, नीचे आना है, फिल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। ओके, सो आपको यहाँ पे 8 फोटो को सिलेक्ट करना है अपना। ओके गाइस, यहाँ पे मैं अपना 8 फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आपको 8 फोटो सिलेक्ट करने के बाद डन कर देना। ओके, डन करने के बाद फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इस बॉर्डर इमेज को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको सेम टू सेम करना है। सो बॉर्डर इमेज को आपको पहले एडिट करना है। ये बॉर्डर इमेज को मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। ये मेरा बॉर्डर इमेज यहाँ पे एड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है, फुल स्क्रीन कर देना है। ओके, इतना करने के बाद फिर इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है, और इसका लेंथ आपको पूरा एंटर कर देना है, जितना भी इमेज रहेगा आपका पूरा कर देना है। ओके, इतना करने के बाद अब गाइस करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आपको इस प्रकार से इमेज पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैप्चर एंड सेव करके, आपको इस प्रकार से कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो 8 इमेज को यहाँ पे पहले कैप्चर एंड सेव कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सो इस प्रकार से जो भी आपका 8 फोटो रहेगा, 8 इमेज को आपको इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से कैप्चर एंड सेव कर लेना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर लिया, आप लोग देख सकते हो इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। सो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है, नीचे आना है, फिल करना है। इस बार जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन है इसको आपको 2 सेकंड कर देना है। ओके, 2 सेकंड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इसका लेंथ बढ़ा के 10 सेकंड के आसपास कर देना आप, इस प्रकार से 10 सेकंड के आसपास रख लेना। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 सेकंड के आसपास मैंने इसको रख लिया। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, और वो 8 इमेज को आपको सिलेक्ट करना है जो अभी आपने कैप्चर किया है वहाँ से। ओके, कैप्चर फाइल एक बन के आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कैप्चर फाइल बन के आ चुका है। सो आपको मोबाइल में उसे करोगे सेव तो यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो आपको यहाँ से 8 इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, सो फिर आपको ये 8 इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 8 इमेज को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो, तो इसमें बॉर्डर लगा हुआ आ गया है। सो फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और सिंपली इस लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है, और उसका साइज इस प्रकार से बढ़ाना है आपको, और बढ़ाने के बाद इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन करना है, और यहाँ पे स्ट्रैक ऑडियो कर देना है। स्ट्रैक ऑडियो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, सिंपली इस पर क्लिक करके इसका स्ट्रैक ऑडियो निकाल लेना है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद इसमें लिरिक्स में कट लगा के आपको इस जो राइट साइड का लिरिक्स है इसको नीचे साइड रख देना। ओके, या तो ऊपर साइड भी कर देना, नीचे साइड करना तो अच्छा रहेगा। आपको इस प्रकार सही से एडजस्ट कर देना है, और एडजस्ट करने के बाद अब गाइस क्या करना है आपको, सिंपली आपको इस इमेज में जो रहेगा आपका अपनी इमेज में क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है रोटेशन नाम के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्लिप ग्राफिक्स आपको बीट सिंस ऐप में मिलेगा, काइंड मास्टर में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बीट सिंस ऐप से डाउनलोड करके इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ओके, सो बीट सिंस ऐप से कैसे डाउनलोड किया जाए इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। टाइटल ये रहेगा, हाउ टू इंस्टॉल कॉल मी डीजे, बट उसमें आप सीख जाओगे कि बीट सिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड कैसे किया जाता है। ओके, और ये रोटेशन किस प्रकार का दिखता है
बिटसीन्स ऐप में इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप देख लेना फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से पहले पहला इमेज में एक नंबर ला, दूसरा इमेज में दो नंबर ला, इससे इस प्रकार से सेलेक्ट करते रहना, तीसरा इमेज में तीन नंबर ला। ओके, यही रोटेशन से क्लिपग्राफीज और कोई भी क्लिपग्राफीज का आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, यहाँ पे सात क्लिपग्राफीज है तो आपको सातों इमेज में एक एक करके लगा लेना है। उसका जो आपका लास्ट इमेज रहेगा उसमें आपको क्या करना है, सॉरी गाइस, इसमें मेरे को छः नंबर लगाना है। ओके, इसमें सात नंबर लगा लेता हूँ और जो लास्ट इमेज रहेगा इसमें आपको एक नंबर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो लेंथ है यहाँ पे सॉन्ग के हिसाब से रख लेना है, ओके, घटा के। सो इतना कर लेने बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, जहाँ पे आपका इमेज आ रहा है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और सिंपली आपको इस लाइट इफेक्ट वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको एडिट कर लेना, फिर साइज़ को बढ़ाना है। इस प्रकार से इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसमें कोई ऑडियो होगा उसको ज़रूर से म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद इसको आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट निकालना है और यहाँ पे जहाँ पे इस लाइट इफेक्ट का लेंथ खत्म हो जा रहा है वहाँ पे इसको स्लाइड करके इस साइड लगा देना है। और सिंपली यहाँ पे नीचे वाले जो लाइट इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, केजी आइकन पे क्लिक करना है और फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन से इसको ट्रिम कर लेना है, ओके, ताकि हमारा जो लाइट इफेक्ट है वो इधर रह जाए और इधर भी रह जाए। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखते हो इस प्रकार से मेरा वीडियो बन चुका है। सो यहाँ पे आप लोग देखते हो मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये एडिटिंग भी आपको अच्छी लगी हो, और आपको ऐसे ऐसे मतलब अलग टाइप की एडिटिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो बता देना। सो गाइस, फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।